नमस्ते, मेरा नाम उमा है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। झारखंड के लातेहार में नक्सली हमला हुआ, 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए। हमला 22 नवंबर को हुआ और इसी दिन लातेहार में एक बीजेपी नेता पार्टी का गुणगान कर रहे थे। कह रहे थे कि बीजेपी ने झारखंड से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। इन नेता का नाम जगत प्रकाश नड्डा है और ये बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनका वीडियो खुद बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया गया है। इसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने उग्रवादियों पर नकेल कसने का काम किया है, राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अब कोई भी रात के 12 बजे बेखौफ घूम सकता है जो दिन में 12 बजे नहीं निकल सकता था। नक्सलवाद का प्रकोप था, तांडव हो रहा था नक्सलवाद का, दिन दहाड़े घटनाएं घट जाती थी, धड़ल्ले से नक्सलवाद का प्रचार हो रहा था। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप सब लोगों ने देखा होगा कि कितना वातावरण बदला है और लगभग नक्सलवाद को झारखंड की धरती से समाप्त कर दिया गया है। इस तरह की परिस्थिति लाकर खड़ी है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकारें चलाने का ढंग आपको पता है, यही धरती है जहां के नेता दागदार होते रहे और आज आप देखते हैं कि ये सरकार है बेदाग, दागदार बनाम बेदाग सरकार, यह है चयन करने का विषय जिसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। वहीं गृह मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी रैली को संबोधित करने के लिए 21 नवंबर को लातेहार पहुंचे थे। उन्होंने भी पार्टी का गुणगान किया, कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सबसे बड़ा काम किया है जो कई वर्षों तक किसी सरकार ने नहीं किया। मुख्यमंत्री ने झारखंड को नक्सल मुक्त राज्य बनाया है जिसके कारण सूबे का विकास हुआ है। रघुवर दास जी ने सबसे बड़ा काम किया है, विकास तो किया ही, मगर सबसे बड़ा काम अगर कोई करा है तो झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो सरकार कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, वो सरकार कभी भी राज्य में विकास नहीं ला सकती। रघुवर दास सरकार ने इस 5 साल के अंदर नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में ढेर सारे कदम उठाए और इसका परिणाम है आज झारखंड के कोने कोने में बिजली, रोड, गटर, पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर सब पहुंचने लगा है। और मित्रों, ये काम इसलिए होते हैं कि नीचे भी कमल की सरकार है और ऊपर भी कमल की सरकार। पर जब क्षेत्र में नक्सली हमला हुआ तो खुद रघुवर दास ने ट्वीट किया और हमले की निंदा की। इस नक्सली हमले में शहीद पुलिसकर्मियों की पहचान सब इंस्पेक्टर सुकिया उराव, कांस्टेबल दिनेश कुमार, कांस्टेबल सिकंदर सिंह, वाहन चालक यमुना राम के रूप में हुई है। हमले के 2 दिन पहले यानी 20 नवंबर को चुनाव निर्वाचन आयोग ने नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग के दौरान खास सतर्कता बरतने का निर्देश दिया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि जिन इलाकों में वोटिंग होनी है वहां के वोटर्स को भेजने और लाने का जिम्मा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का होगा। बता दें कि झारखंड में 30 नवंबर से चुनाव होने हैं। लातेहार, गढ़वा, पलाम, गुमला, लोहरदगा और चतरा जिले की 13 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही नक्सली हमला हो गया। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।